Hi guys, good evening everyone. I am extremely fine, thank you. आप लोग रेडी हो जाइए मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मेरे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश वाले में। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि ये क्लासेस कितना इम्पोर्टेंट है। आपके बेसिक इंग्लिश मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। आप कोई भी कंपटीशन के लिए आप अच्छी से तैयारी कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो आज पिछले क्लास में मैंने बताया था गाइस आप लोगों को कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये तो वर्ब के बारे में आज थोड़ा मैं डिटेल्स कर दूं। भाव फिर आगे बढ़ूंगा मैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बिल्कुल ऑन द पॉइंट आ गया हूं भाव पे। आज के ग्रामर में भाव टू टाइप्स के होते हैं। वो फर्स्ट में मेन भाव जिसको एम भी कह सकते हैं आप। सेकंड हेल्पिंग वर्ब जिसको एच भी कह सकते हैं। मेन वर्ब का थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं, ऐसे पिछले क्लास में बताया था, फिर से याद दिला दूं कि एग्जाम्पल में एग्जाम्पली ग्रेसिया, ये ग्रीक इंग्लिश से, स्मॉल लेटर वाले ग्रीक इंग्लिश में शुरू होते हैं सारे। उसमें एबीसीडी जो होते हैं ना स्मॉल लेटर से ही शुरू होते हैं ग्रीक इंग्लिश में। हालांकि अब चेंज हो गया है, ग्लोबल इंग्लिश जब बना है तो चेंज हो गया है। तो एग्जाम्पली ग्रेसिया लिखते हैं अब, जैसे पहले लिखते थे ना एग्जाम्पल ई एक्स देखे ऐसे, वही हुआ जी एग्जाम्पली ग्रेसिया। उदाहरण स्वरूप गो मीन्स जाना, ईट मीन्स खाना, राइट मीन्स लिखना, कम मीन्स आना, सिट बैठना। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसमें देखो एक चीज कॉमन है, मेन भाव की बात कर रहा हूं मैं। मेन भाव को प्रिंसिपल भाव भी बोलते हैं, मेन भाव को प्रिंसिपल भाव भी बोलते हैं। और हेल्पिंग भाव को बुक के अनुसार ऑक्सिलरी भाव भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी भाव, सपोर्टिंग भाव भी बोलते हैं। तो ये मेन भाव का बताया ये एग्जाम्पल। अब इसमें देखो एक चीज कॉमन है, ना 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 ना। हिंदी मीनिंग में मेन भाव स्मॉल लेटर से शुरू होते हैं और उसके हिंदी मीनिंग में ना लगा हुआ जरूर होगा। नहीं, गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, राइट मीन्स लिखना, सीट मीन्स बैठना, लाफ मीन्स हंसना, स्लीप मीन्स सोना, ना जरूर मिलेगा सब में हिंदी मीनिंग में। और स्मॉल लेटर से ये शुरू होगा। ओके, स्टार्ट ऐसे कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट हो मेन भाव से तब तो कैपिटल होगा, लेकिन सेंटेंस में अगर कहीं मिले तो स्मॉल लेटर में होगा और हिंदी में ना लगा हुआ होगा। ओके, ये मैं पिछले क्लास में बताया था। अब आ जाते हैं हेल्पिंग भाव पे। तो हेल्पिंग भाव नाम इसका कैसे पड़ा ये एक सेंटेंस में बताता हूं एग्जाम्पल देकर। पहले eating an apple। देखो मेन भाव के 5 फॉर्म होते हैं, मैं बताऊंगा बाद में, डिटेल्स करूंगा। एक का बता देता हूं सिर्फ, ईट, ये भी वन, B2, B3, B4, B5। बाद में सबका डिटेल्स करूंगा अच्छा से, ताकि ज्यादा तम आप लोगों को रटना नहीं पड़े। ईट, एट, ईटन, V4 में ing लग जाता है ईटिंग और V5 में लग जाता है एस या ES, इट्स। ये V1 V2 V3 V4 V5 है। तो इस सब के मीनिंग भी बताऊंगा, कैसे चेंज होता है वो भी बताऊंगा, ताकि एक फॉर्मूला मिल जाए आपको। फॉर्मूला से पढ़ना है, ज्यादा रटना नहीं है। मैं इजी फॉर्मूला आपके लिए लेकर आया हूँ और आता रहूंगा। तो इसमें देखो ईटिंग है, V4 की बात कर रहा हूं जो यहाँ यूज हुआ है इस सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब के एग्जाम्पल में। ही ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा। क्या ये सेंटेंस कंप्लीट है? ये मेन वर्ब के ही पार्ट्स हैं सब, है ना। आदमी का देखो, जैसे आदमी का छोटा बच्चा है, उससे बड़ा है, तो आदमी का छोटा बच्चा रूप अलग अलग हो सकता है। छोटा बच्चा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, है ना, लड़का हुआ, फिर युवा हुआ, फिर अधेड़ उम्र का हुआ, जवान हुआ, अधेड़ उम्र का हुआ, फिर बूढ़ा हो गया। लेकिन है तो आदमी का है ना रूप। उसी तरह मेन वर्ब के 5 रूप हैं, तो है तो मेन ही वर्ब। ओके, है तो वही। जैसे आदमी का छोटा बच्चा को भाई कोई घोड़ा बंदर नहीं बोलेंगे, आदमी का बच्चा है तो आदमी ही ना हुआ। तो उसी तरह मेन वर्ब के ये 5 फॉर्म है, तो है मेन ही वर्ब। फॉर्म अलग अलग है। तो ये है कि वह, ये हेल्पिंग वर्ब का यूज बता रहा हूं कि हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब क्यों नाम पड़ा। वह एक सेब खा रहा, सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। यानी मेन भाव का जो रूप है, ये मेन भाव ही है, रूप अलग हुआ। मेन भाव जो हुआ ये इसको हेल्प की जरूरत है। अगर इसमें कर दे ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा है, तब ये सेंटेंस जाके कंप्लीट हो गया। यानी मेन भाव को हेल्प की जरूरत है। बिना हेल्प का भी मेन वर्ब हो सकता है, सेंटेंस बना सकता है। लेकिन यहाँ पे इस टाइप का अगर सेंटेंस रहे, कई हजारों सेंटेंस हैं जहां हेल्पिंग वर्ब के बिना सेंटेंस होगा ही नहीं, गलत हो जाएगा बिल्कुल। यानी मेन वर्ब को हेल्प की जरूरत है। ओके, तो जैसे नहीं रहता है कहीं बहुमत की सरकार है, कोई हेल्प की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं नहीं सपोर्टिंग गवर्नमेंट होता है ना किसी राज्य में, तो सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, वरना सरकार नहीं बनेगी। उसी तरह यहाँ पे इस सेंटेंस में सपोर्ट की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, तब ये सेंटेंस बनेगा कंप्लीट सेंटेंस। तो ही इज ईटिंग एन एप्पल, वह एक सेब खा रहा है, यानी इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बहुत सारे होते हैं, फॉर्म 5 हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं 24 हेल्पिंग वर्ब्स। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार मैंने विद्वानों से पूछा, कई बार सलाह लिया पढ़ाने के पहले, 15-16 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, उसके पहले, कि कई बुक्स में गाइस हेल्पिंग वर्ब अलग अलग मिलते हैं, है ना। किसी में 23 है, तो किसी में 26 है, तो किसी में हो सकता है 28 हो, ऐसा। तो तुम कंफ्यूज कर जाओगे कि भाई याद कैसे करें, ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि याद कौन सा करें। ऐसा तो नहीं ना कि इस बुक के अनुसार ये, तो इस बुक के अनुसार ये राइटर के अनुसार ये, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोगों ने विद्वानों से सलाह लेकर जब पढ़ाना शुरू किया कॉलेज स्टूडेंट्स को, कंपटीशन के स्टूडेंट्स को, कि कुछ तो भाई चाहिए ना कॉन्फिडेंस, क्यों क्या याद करे स्टूडेंट। तो बड़े बड़े जो ग्लोबल लेवल के जो विद्वान हैं उन्होंने कहा 24 स्टूडेंट्स को 24 हेल्पिंग वर्ब दो, बस ये जन्म कंप्लीट हो जाएगा, आगे सोचा जाएगा अगले जन्म में। तो 24 हम कॉन्फिडेंस के साथ देना शुरू किए और उसको अपने ढंग से बनाए, उसको सजाए। बुक में थोड़ा अलग मिलता है। टीचर के पास लोग क्यों जाते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्यों जाते हैं, क्योंकि उसको इजी करके आपको समझाया जा सके। ओके, तो ये देखो इजी करके बताए हैं, इसको देखना। इज एम आर, ये सजाया गया है, इसका प्रोनाउंसिएशन में बताऊंगा। अच्छा, इज एम आर वॉज वेयर हैज हैव हैड डू डीड डज शैल should, will, would, can, could, triple एम्बल, may, might, must, need, dare, used to, out to। तीन दो पांच, तीन आठ, तीन ग्यारह, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ओके, यूज टू एक साथ है और आउट टू एक साथ है, 24 हुआ ना। 24 का यूज बताएंगे, फिर बताएंगे मेन भाव के साथ कनेक्शन इसका कैसे है, फिर सेंटेंस बनाना सिखाएंगे, क्रिएट करना। इस तरह से आपका ग्रामर स्ट्रांग होगा। ओके, ऐसे फिर आगे सिखाएंगे। तो ये सजाया गया है, बुक में थोड़ा अलग हो सकता है, ये अरेंज किए हैं हम अपने से। देखो, इज, एम, आर, वाज, प्लूरल, वेयर, तीनों एच वाला को एक साथ कर दिए, हैज, हैव, हैड, डी वाला को एक साथ किए हैं, डू, डिड, डज। फिर एस वाला को देखो, शैल, तो शुड, विल, वुड, कैन, कुड। अब ट्रिपल एम से शुरू यह है, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। इजी होगा, याद करवा देंगे। ओके, सबसे पहले आएंगे क्लास में तो यही रटवाएंगे आपको मेरे साथ। एक बार बोल दो अच्छे प्रोनाउंसिएशन के साथ मेरे साथ, इज, एम, आर, वाज, वेयर, has, have, had, do, did, does, shall, should, will, would, can, could, may, might, must, need, dare, used to, how to। अच्छा बोलना भी सीखना है, बैलेंस वे में बढ़ना है, स्पेलिंग भी सही सीखना है, लिखना भी सीखना है, पढ़ना भी सीखना और बोलना भी सीखना, यानी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाएगा, सिलेबस कितना आगे सिखा दूंगा। ओके, तो ये मेन भाव और हेल्पिंग भाव आज का टॉपिक है। फिर आगे मैं बताऊंगा दोनों में कनेक्शन क्या है, सबके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं। तो मीनिंग जो है ना हेल्पिंग भाव का, वो जगह जगह में चेंज भी होता है, अलग टाइप से भी हो जाएगा। वैसे शाब्दिक अर्थ सेंटेंस के अनुसार भी होता है ना, कहीं कहीं एक्यूरेट भी हो जाता है, कहीं कहीं चेंज भी होता है, ये आगे बताऊंगा। ओके गाइज, ओके, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। अपने भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बताइए ताकि फ्री में ये पढ़ सके और हमारे देश का बेस इंग्लिश का स्ट्रांग हो सके। ओके, बाय।